देखिए आपने अभी देखा कि ये ओवरलोड कर रहा था। कभी अगर आपने गलती से कभी भी आपने अगर इसको फोरम्स पर लगा। हे गाइस, इट्स सुपरडियर साउंड। हे गाइस, मैं हूं इसल का होस्ट, आप सबका दोस्त सुखदेव। और आज यहां पर देखिए क्या क्या लेकर आया हूं। स्टैंजर की तरफ से पीवीटी 700 का एम्पलीफायर है। यहाँ पर दो टॉप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो टॉप है पी ऑडियो के स्पीकर वाला 300, इधर है 300, नीचे 350 है। मैंने कई वीडियो में इसको रिव्यू भी किया है, एक बार स्पीकर रिपेयर करके भी लगाया था आप लोगों के सामने, तो कुछ वीडियो मैंने इस टॉप के ऊपर भी किए हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर ये दो टॉप 700 के एम्पलीफायर पर हम लोग लोड देने वाले हैं। इतना लोड देखते हैं कि 700 के एम्पलीफायर लेता है क्या। लेना तो चाहिए, ठीक है, तो अभी देखते हैं लेता है क्या। 2 ohms में कनेक्शन करेंगे और एक बार 4 ohms में भी कनेक्शन करके देखेंगे दो टॉप को ही। ठीक है, एक्चुअल में लगाना चाहिए 2 ohms पर, लेकिन हम लोग इसको 2 ohms में भी चलाएंगे, 4 ohms में भी चलाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा टेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। थोड़ा सा कनेक्शन भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। चलिए, तो अभी देखिए ये प्लस का तार है, इधर माइनस का तार कॉमन में मैंने लगा दिया है। ये प्लस का तार है, इसको मैं चलिए 2 ohms में पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है, ओवरलोड करता है, ओवरलोड तो नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं, उसके बाद इसको 4 ohms में भी दो टॉप को लगाकर देखेंगे क्या होता है। तो अभी लाइन इन कर दिया है कॉर्ड को, चलिए प्ले करते हैं। तो देखिए पीछे से जो तार आया है मैंने तो इधर कनेक्शन कर दिया है दो टॉप को। ठीक है, अभी इसको बजाएंगे, तो फोन इधर रेडी है। अभी देखिए एम्पलीफायर तो रेडी है, तो ये पर ज़रा देख लीजिए, बेस इतना तक रखा हूँ, मिड मैंने मिडिल में रखा है, और ट्रैवल को थोड़ा सा आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, और इस बटन को यहाँ पर पुश करके रखना है। तो चलिए अभी प्ले करते हैं। अभी मैं एक गान को ज़्यादा देर प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आता है, तो चेंज करता हूँ गाना को। अभी मैंने थोड़ा सा फ़ोन को चेंज कर दिया है, क्योंकि वो जो फ़ोन था उसमें मतलब साउंड क्वालिटी एकदम बकवास आ रहा है। मोबाइल से तो ऐसे लाउड स्पीकर का साउंड तो उतना अच्छा क्लियर आता ही नहीं, लेकिन उस फ़ोन में क्या हो रहा था उससे भी बकवास आ रहा। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने फ़ोन से शूट करता हूँ। ठीक है, ये
So guys, अभी क्या करेंगे इसको फोरम्स पर टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में एम्पलीफायर को करेंगे ऑफ, तो अभी चलिए इधर आते हैं। तो अभी इसको करेंगे फोरम्स में, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं, लेकिन ये कभी भी ट्राई ना करें आपके एम्पलीफायर के साथ। ये बस दिखा रहा हो कि कभी अगर आपने गलती से कभी भी आपने अगर इसको फोरम्स पर लगाकर ऐसे 300 और 350 के टॉप अगर बजाए तो एम्पलीफायर क्या ओवरलोड करेगा, ये देखने के लिए बस ये कनेक्शन मैं किया हूँ, ठीक है। लगाना चाहिए 2 ओम्स और कॉमन पर, लेकिन मैं इसको फोरम्स पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी प्रॉब्लम होता है क्या अगर आपने कभी भी गलती से लगा दिया है तो, ठीक है, उस सिचुएशन के लिए ये टेस्टिंग आप लोगों के लिए। तो देखिए अभी फोरम्स पर कॉमन में मैंने लगा दिया ओनली फॉर टेस्टिंग, कभी भी आप ऐसे ना करें अगर आप दो टॉप लगा रहे तो 2 ओम्स और कॉमन पर ही जोड़े, ठीक है। चलिए अभी इसको ओनली फॉर टेस्टिंग आप लोगों के दिखाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आता है क्या, एम्पलीफायर ओवरलोड होता है क्या। चलिए बज रहा है 4 ओम्स और कॉमन पर, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे से दिखा दिया है। चलिए अभी बजाते हैं। देखिए आपने अभी देखा कि ये ओवरलोड कर रहा था, देख लिया आपने, ये ओवरलोड का स्विच आ रहा था। अभी एक और बार प्ले कर लो, इसको ज्यादा टाइम से प्ले ना करें, एम्पलीफायर में खराबी आ सकता है। इसको अभी देख लिया था आपने कि ओवरलोड का शो कर रहा था, ठीक है, ये ओवरलोड का एलईडी ब्लिंक कर रहा था, एम्पलीफायर अभी ऑफ होकर ऑन हो गया फिर से, क्योंकि अभी मैंने ज्यादा टाइम प्ले नहीं किया, एक भी सॉन्ग ठीक से प्ले नहीं किया। तो आप लोगों ने अभी देखा है कि एम्पलीफायर ओवरलोड कर रहा था, जो कि मैं बार बार इसको ओवरलोड नहीं कर सकता, क्योंकि एम्पलीफायर में अगर प्रॉब्लम आ गया तो काफ़ी ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें 300, 300, 350, 350 मतलब HF और 60 वाट का है, लगभग 1300 या फिर 1400 लोड इसमें मैंने दिया है, लगभग डबल लोड इसके 4 ओम्स पर लगाकर मैंने दे दिया है। तो अभी दो बार तो मैं प्ले नहीं करूँगा, आप लोगों ने देखा होगा ओवरलोड आ रहा था, आप लोग थोड़ा सा रिप्ले करके भी देख सकते हो। आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अभी कभी भी इसको गलती से भी 4 ओम्स पर कनेक्शन ना करें। ये वीडियो के माध्यम से मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहता था एम्पलीफायर में क्या होता है अगर आप गलती से भी 1400 लोड देकर इसको 4 ओम्स पर अगर कहीं पर भी कनेक्शन कर देते हो गलती से भी, तो एम्पलीफायर ऐसा ओवरलोड कर जाएगा। 2-3 बार अगर ओवरलोड करता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाला रीसेट स्विच होता है, 2-3 बार ओवरलोड अगर करेगा या फिर टेम्परेचर शो करेगा, उसके बाद ये वाला ओवरलोड का स्विच बाहर निकल आता है, ठीक है, एम्पलीफायर उसके बाद रीसेट करना पड़ता है। एम्पलीफायर को ऑफ करके स्विच को दबा देंगे तो एम्पलीफायर रीसेट हो जाएगा। कुछ देर रेस्ट दीजिएगा अगर गलती से भी कभी भी ओवरलोड या फिर टेम्परेचर शो करता है, तो एम्पलीफायर को थोड़ा सा रेस्ट देकर उसके बाद इस स्विच को दबाकर देखिएगा, ये वाला स्विच बाहर आ जाएगा, इसको दबाकर फिर से एम्पलीफायर को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये वीडियो के माध्यम से तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि कभी भी अगर आप फोरम्स पर ऐसे कनेक्शन करते हो तो आपका एम्पलीफायर ओवरलोड करेगा, तो ऐसे ना करें। वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लगा है इन्फॉर्मेटिव लगा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैंने आपको दे पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मैं लगातार वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।